नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। सब्जियों का बहुत सारा सीजन है, इतनी सारी सब्जियां हर जगह मिल रही है। ऐसे टाइम पे ताजी सब्जियों से हम घर पर बनाएंगे वेज मंचूरियन। तो आज हम बना रहे हैं ड्राई मंचूरियन, वेज मंचूरियन। तो इसको हमें ऐसे बनाना है कि एज अ स्नैक्स, एज अ स्टार्टर आप खा सकें, और बहुत ही टेस्टी होता है। लिक्विड से ज़्यादा भी ड्राई टेस्टी होता है, कि उसे वो क्रिस्पी भी बहुत होता है और उसे खाने वाले बहुत पसंद करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक बड़ी गाजर को बारीक काट लिया है। ये देखिए बहुत बारीक काट लिया है मैंने, या हाथों से कर सकते हैं, चॉपर है आपके पास तो चॉपर से काट सकते हैं। ये बहुत थोड़ी सी शिमला मिर्च है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। फूल गोभी है, इसे मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। और ये है मेरे पास फ्रेंच बीन, ये फ्रेंच बीन भी मेरे पास 8-10 है, उसे भी मैंने बारीक काट लिया है। पत्ता गोभी जो है, वैसे तो मैं भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, पर क्योंकि सीजनल है तो सीजनल में बहुत कम डर होता है। गर्मियों में हमें पत्ता गोभी नहीं खाना चाहिए। इस समय सीजनल अगर आपको अच्छी पत्ता गोभी मिल जाए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इनकेस आपको अच्छी पत्ता गोभी नहीं मिलती है तो आप हटा भी देंगे तो कोई इस पर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं। अदरक लिया है हमने काफ़ी सारा, ग्रेट कर दिया है। और हमने लिया लहसुन, लहसुन भी बहुत सारा ले लिया क्योंकि लहसुन इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डलता है। हरी मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और बाकी चाहिए हमें हरी प्याज। हरी प्याज का आपको ऊपर वाला पार्ट अलग से बारीक काट देना है, और इनको आपको नीचे वाला जो ग्रीन पत्तियाँ उसे आपको काटना है, और वो बारीक बाद में अलग से यूज़ करना है। मतलब दोनों को हमें अलग अलग काटना है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इस मंचूरियन बॉल्स को बनाना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ा बोल लेंगे और उसमें डालेंगे सारी सब्जियां पहले से ही धो के, उन्हें पोंछ के फिर ही काटिए। वरना वैसे तो सब्जियों में काफ़ी पानी होता है, अगर हम प्रॉपर उसी समय धो के और काटेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी होगा। तो बहुत पहले ही आपने धो के इसको काट लेना है। अब ये सारी सब्जियां हम डालेंगे। इस सब्जी में थोड़ी सी हम हरी प्याज के पत्ते भी डालेंगे और थोड़ा हम बचा देंगे। ये प्याज का ऊपर वाला पार्ट भी थोड़ा सा डाल देते हैं। अब इस सब्जी में एक छोटा चम्मच नमक डालकर इसे मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। तो जितना भी पानी इसने रिलीज करना होगा वो कर लेगा। उसके बाद हम इसे सब्जियों को बॉल्स के लिए बनाएंगे। अभी इसमें बहुत कुछ डलेगा, अभी हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब हमें इन सब्जियों को थोड़ा सा स्ट्रेनर में डाल के इसका निकालना पड़ेगा पानी। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल जाता है, वो पानी हमें निकालना है। देखिए थोड़ा बहुत जो पानी निकला उसे हमने निकाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा लहसुन बारीक कटा हुआ, थोड़ा अदरक, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूंगी जो कि मैं खुद डालती हूँ। ये मैंने एक बॉयल्ड आलू लिया था, उसका थोड़ा सा बचा दिया, बाकी आलू मैंने इसमें डाल दिया। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ मीडियम ही है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इसका टेस्ट भी बढ़ता है, इसकी बाइंडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आता है, और बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा इसके साथ बनाएंगे। मैंने हमेशा इसमें एक छोटा सा आलू डाला है और सभी को बहुत पसंद आता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अब बात है ये कि जो लोग को ग्लूटेन की प्रॉब्लम है, मतलब जो गेहूँ, मैदा, सूजी ये लोग नहीं खा सकते, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो लोग कैसे खाएं। तो उनके लिए मल्टीग्रेन आटा है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप बाइंडिंग के वक्त जो आटा हम यूज़ करते हैं, जैसे मैदा और कॉर्नफ्लोर जिसको हम आरारोट कहते हैं, वो यूज़ करेंगे, तो उसके बदले आप इसको ये आरारोट यूज़ कर सकते हैं, और साथ में मैदे के बदले मल्टीग्रेन आटा, जो ग्लूटेन फ्री आटा होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, मल्टीग्रेन ग्लूटेन फ्री आटा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैं मैदा और कॉर्नफ्लोर वो आरारोट यूज़ कर रही हूँ। फिर डालेंगे 4 चम्मच जैसे मैदा डाल रही हूँ मैं, 2 चम्मच डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर,
उसके बाद यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं और डालूंगी। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हम पहले डाल चुके हैं। अब इन्हें हम बिना पानी के इस तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बॉल्स बनाएंगे। जरा सा आलू डालने से आप खुद कहेंगे कि हाँ बहुत ही फर्क आता है इसको बनाने में। बहुत ही बढ़िया इसमें बाइंडिंग आ गई। थोड़ा सा मैदा कॉर्नफ्लोर, मैदा और आरारोट थोड़ा सा डाल रहे हैं। अब हाथों में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेंगे और इसकी ये जो छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। अब देखिए बाइंडिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही ये अंदर से कच्चे रहेंगे क्योंकि हमने बहुत सारा मैदा और आरारोट नहीं डाला। इसमें आलू से हमारा बहुत ज़्यादा इस बात का फर्क पड़ा है, तो जरा सा आपको आधा आलू डालने से बहुत फर्क पड़ेगा। इस तरीके से सारे बॉल्स बना के आप कढ़ाई गैस पे रख दीजिए गरम करने के लिए। लीजिए तो बॉल्स तैयार हैं, इसे हम फ्राई कर लेते हैं। हमें इन्हें दो बार फ्राई करना है, तो अभी जब पहली बार जब फ्राई करेंगे बहुत ज़्यादा तेज़ पे नहीं फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे करना है और बाद में जब सेकेंड टाइम करेंगे तब तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। ये देखिए इसकी बाइंडिंग कितनी बढ़िया है, ये बिल्कुल भी नहीं ना मिलेंगे ना टूटेंगे, बहुत ही बढ़िया। बस आपको यही ध्यान रखना है कि अपन मैदा कॉर्नफ्लोर तो मिक्स करते ही हैं, सिर्फ आधा आलू ये इसका सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स है और आप इसे ज़रूर ट्राई डालें। इससे टेस्ट भी बढ़ेगा, बाइंडिंग भी इसकी बहुत अच्छी होगी और काफ़ी देर तक ये नरम भी, अंदर से नरम होने चाहिए बाहर से क्रिस्प। ये देखिए सिंगल फ्राई में ही कितने अच्छे क्रिस्प लग रहे हैं, इन्हें हम निकाल देते हैं। ये सिंगल फ्राई हो गए हैं, अब गैस पे जो हमने कढ़ाई रखी है उससे अच्छे से गर्म होने दीजिए। सिर्फ हमें इसे डालना है और निकालना है और मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से कितना क्रिस्प है और अंदर से ये सॉफ्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से खा भी सकें और बाहर से क्रिस्पी होना अंदर से सॉफ्ट होना, ये बहुत ज़रूरी है इस बॉल्स में। तो बस और कोई खासियत नहीं है, आप इस तरीके से बनाएं। अब ये थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाए और ये काम आप तब करें जब आप सर्व करें, क्योंकि चाइनीज फूड का एक ही खासियत है कि उसे हॉट सर्व ही करना चाहिए। तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपको घर में दो बार बनाना है तो इसको दो बार भी करके बना सकते हैं। सब लोग एक साथ खाना नहीं खाते तो उस टाइम आप दो बार भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए इसे हमने डबल फ्राई कर लिया। अब हमने एक गरम पैन रखा है और उसमें सिर्फ दो चम्मच ऑयल लिया है, तो इसमें हम अब तैयार कर रहे हैं, इसकी सॉस बना रहे हैं। सबसे पहले लेंगे हम लहसुन, थोड़ा सा अदरक और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हमें डालना है, अगर आपके पास है तो थोड़ी सी डालेंगे हम पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गैस फुल पे ही रखना है और हरी प्याज का जो ऊपर वाला पार्ट है वो डालना है। इसमें डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है। अब हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, एक से डेढ़ टेबल स्पून मैंने ग्रीन चिली सॉस लिया है। ये लिया है मैंने एक टेबल स्पून रेड चिली सॉस। एक छोटा चम्मच लिया है मैंने सोया सॉस।
से 2 से 2.5 टेबल स्पून लिया हमने टमेटो केचप, 1 चम्मच मैंने सिरका लिया। इन सबको हमें मिक्स करना है और तेज आंच पे इन सबको मिक्स करना है। अब क्योंकि हम ड्राई बना रहे हैं तो हमें कॉर्नफ्लोर यूज नहीं करना है, जब हम लिक्विड बनाते हैं तब हम कॉर्नफ्लोर यूज करते हैं। अब इस टाइम में हमें डालने हैं बॉल्स और इन्हें मिक्स करना है। ये सॉस हमें इतनी चाहिए होती है कि इन बॉल्स को खाली कवर करना है। अब हम डालेंगे लास्ट में स्प्रिंग अनियन की हरा वाला पार्ट। बस तैयार है गर्मा गर्म वेज मंचूरियन। तो इस तरीके से हमारा तैयार हो गया ड्राई वेज मंचूरियन। इसे आप जरूर ट्राई करें। और हमने अभी इसमें कलर यूज नहीं किया, आप चाहें तो कलर यूज कर सकते हैं, पर इसी कलर में ये जो ऑथेंटिक होते हैं वो इसी कलर में बड़े अच्छे लगते हैं। ज़्यादा कलर डालने की जरूरत नहीं, हमने अजीनोमोटो भी यूज़ नहीं किया। बस आप इसे जरूर ट्राई करें। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।